अस्सलाम वालेकुम वुडियंस, आज हम ग्रेड 7 का सोशल स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर जो है वो पढ़ने लगे हैं एंड दैट इज़ इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान. ओके सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ ऑन पेज नंबर 37. पाकिस्तान कवर्स 3,49,607 स्क्वेयर माइल्स ऑफ लैंड. ये उसका रकबा लिखा हुआ है कि कितने रकबे पर वो फैला हुआ है पाकिस्तान. देर आर सैंडी बीचेज एंड mangrove forests in the south of Pakistan. In the north, there are beautiful, moist, temperate forests and peaks of the Himalaya, Karakoram and Hindu Kush. Running to the full length of the country is the Indus River with its many tributaries. तो basically थोड़ा सा overview दिया जा रहा है कि north में क्या lie करता है, south में क्या lie करता है. ठीक है, कुछ ranges का जिक्र है जहाँ जिनका हम पीछे पढ़ चुके हैं. river का जिक्र है. फिर वेस्ट में क्या है जी, टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर आर द हिली डेजर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान. टू द ईस्ट आर सैंड ड्यून्स ऑफ द थर पार्कर डेजर्ट. इन द सदरन प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ द ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड. तो एक फर्टाइल डेजर्ट भी है पाकिस्तान का जो कि सिंध में लाया करता है. ठीक है, तो बेसिकली चारों तरफ क्या फैला हुआ है उसके बारे में जनरल सा ओवरव्यू है. द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान वेरीज एज मच एज द लैंडस्केप. क्लाइमेट वेरी करता है, डिफरेंट एरिया का डिफरेंट होता है. देर आर कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स इन द नॉर्थ ड्यू टू ओशन. देर इज़ अ माइल्ड क्लाइमेट इन द साउथ. द सेंट्रल पार्ट्स हैव एक्सट्रीमली हॉट समर्स फॉलोड बाई वेरी कोल्ड विंटर्स. ठीक है, तो हर तरह का मौसम पाकिस्तान में पाया जाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस गिव अस मैनी इकोसिस्टम्स. बहुत सारे इकोसिस्टम्स हमें मिलते हैं. वाइड वराइटी ऑफ लैंडस्केप्स एंड क्लाइमेट्स ऑल्सो गिव अस वाइड वराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अच्छा, एक तो इकोसिस्टम, अभी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे फ्लोरा और फौना का जिक्र है और फ्लोरा एंड फौना एक साइंटिफिक टर्म है विच इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. मे बी यू हैव रेड इट इन योर साइंस सब्जेक्ट. दीज डिफरेंट लैंडस्केप्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पार्ट ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. अब इकोसिस्टम होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एन इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी. किस चीज़ की कम्युनिटी? एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. कौन? प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट. और ये तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कम इन एनिमल्स, राइट? पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट इको जोन्स और दे आर ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड अल्पाइन जोन. सो लेट्स सी कि इन जोन्स के अंदर क्या बात हो रही है. द ट्रॉपिकल जोन इज़ अ रीजन ऑन अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर. इक्वेटर इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लोब. द ट्रॉपिकल जोन इंक्लूड द एरियाज ऑन द अर्थ वेयर द सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर. अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स विद इन द ट्रॉपिकल जोन. 40% आबादी दुनिया की ट्रॉपिकल जोन के अंदर रहती है. और वो कहाँ पर है? वो इक्वेटर पर है. ठीक है, एवेयर. और इसकी निशानी ये है कि सन एक दफ़ा जो है वो ओवरहेड आता है डायरेक्टली इन अ ईयर, इन अ सोलर ईयर बेसिकली. Tropical rainforests. Tropical rainforests are also called tropical moist forests. Half of the world's tropical rainforests are in South America, countries of Brazil and Peru. Rainforests now cover less than 6% of Earth's land surface. Half of the world's plant and animal species live in tropical rainforests. Tropical forests in Pakistan are found in the plains of Punjab and Sindh. अच्छा, एक तो उनके बारे में बताया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मॉइस्ट फॉरेस्ट भी कहते हैं. और इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन सा कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं. उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो कहाँ पर हैं? पंजाब में और सिंध में. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर थॉर्निंग एंड हैव लेस हाइट. हाइट कम होती है और कांटे होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट्स हैव बीन कट डाउन बिकॉज ऑफ द फायरवुड, टिम्बर एंड लैंड फॉर कल्टीवेशन. एक तो हमें आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, फिर हमें जो है वो डिफरेंट तरह के फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए होती है, और फिर हमने जो जहाँ पर दरख्त उगे होते हैं उन ज़मीनों को खाली करके हमने वहाँ पर कल्टीवेशन भी करनी होती है. दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. The black buck and hobara bustard are listed critically endangered species in the world. Both of these animals are now extinct in Pakistan. तो इस प्रॉब्लम की वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से बहुत से मसाइल मजीद भी होते हैं. A tropical rainforest is an ecosystem that occurs within the 28 latitudes above and below the equator.
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज इन टू वर्ड्स, वार्म एंड वेट, ये उनकी आपको निशानी बताई जा रही है। और दूसरा बताया जा रहा है कि हाइट ऊपर होती है 28 लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर एंड 28 लैटिट्यूड डाउन द इक्वेटर। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज नो लेस देन 168 सेंटीमीटर, इट एक्सीड्स 2000 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू हाफ ऑफ द लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। आपको शुरू में बताया कि ट्रॉपिकल जोन में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। 2/3 ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तीन जितने भी प्लांट्स हैं ना उसमें से अगर उनके तीन हिस्से किए जाएँ तो दो हिस्से जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बीन कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी। अब ऐसा क्यों है? एक तो जो वहाँ पर खूब पौधे हैं। फार्मेसी क्या होता है कि हमें बहुत सी दवाइयों का जो है वो जो हेल्प मिलती है वो थ्रू प्लांट्स होती है, इसलिए। ठीक है, तो बिकॉज अबाउट 1/4 ऑफ ऑल द नेचुरल मेडिसिन हैव बीन फाउंड इन देम। अब 1/4 यानी चार हिस्से करें तो एक हिस्सा जो है वो मेडिसिन का हमें यहाँ से मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। इट इज़ बिलीव दैट देयर मे बी मिलियंस ऑफ प्लांट्स इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड इन द रेन फॉरेस्ट। यानी अभी मिलियंस ऑफ ऐसी स्पीशीज हैं जो हमें हमने कभी अभी तक उनको आइडेंटिफाई किया ही नहीं। ये दो उन एनिमल्स के नाम जो पीछे लिखे हुए थे कि दे आर एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, ड्यू टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर अकरिंग। देन वी हैव ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज क्लाउड फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन कूल क्लाइमेट्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स। This ecosystem is in Pakistan is restricted in areas which include Jhelum Valley, Islamabad foothills and outer Margalla hills. The animals found in the area are the barking deer, wild boar and leopard. अच्छा, एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये cool regions में होते हैं, cool climatic regions में होते हैं, और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये ecosystem जो है पाकिस्तान में restricted है in areas जहाँ जो जो इधर ने mention की हैं Margalla hills, Islamabad foothills और Jhelum Valley। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स होते हैं कौन कौन से? डियर, वाइल्ड बोर और लेपर्ड वगैरह। इकोसिस्टम इज थ्रेटन्ड बाय कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फायरवुड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। वही बात है, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन और उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। These forests occur in climates that are warm all year round. Though these forests receive several hundred centimeters of rainfall, they have long dry seasons which last several months. The seasonal droughts have great impact on living things in the forests. Though less biologically diverse than rainforests, tropical dry forests are home to wide variety of animals. These animals include large cats, deer, wild boar and ground-dwelling birds. तो वो कह रहे हैं कि एक तो क्लाइमेट जो है वो राउंड द ईयर वार्म ही रहता है। ठीक है, और दीज फॉरेस्ट जो हैं दे हैव सेवरल हंड्रेड सेंटीमीटर्स ऑफ रेन और ड्राई रहते हैं अराउंड द ईयर मोस्ट ऑफ द मंथ्स। और सीजनल ड्राउट्स, ड्राउट कहते हैं पानी की कमी को, पानी की किल्लत को, सीजनल ड्राउट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और बायोलॉजिकली लेस डाइवर्स हैं जो हमने पीछे रेन फॉरेस्ट पर हैं उनसे, लेकिन फिर भी बहुत से एनिमल्स का घर हैं और उन एनिमल्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है। Then we have tropical swamp forests. These kinds of forests are found near the coastal areas. Coast याद है आपको, पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जहाँ पर land meets water. The tropical swamps in Pakistan are along the coast of Runkach and along the sandy shores of Makran. This ecozone is important because it is a habitat of many different wildlife species. These species consist of both land and marine wildlife. यानी कि ज़मीन पर रहने वाली वाइल्ड लाइफ का भी ये घर है और पानी में रहने वाली वाइल्ड लाइफ का भी ये घर है। The coastal water is rich in dissolved oxygen. Many sea species prefer this kind of land for laying eggs. यानी वो eggs जो ले करती हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में ले करना पसंद करती हैं। एग्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स अट्रैक्ट बर्ड्स नेचुरली। विद बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स दीज एरियाज बिकम हंटिंग ग्राउंड फॉर लार्जर एनिमल्स। यानी बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स का हंट करते हैं। देयरफॉर मरीन लाइफ एंड लैंड एनिमल्स आर इक्वली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। द बर्ड्स लाइक पेलिकन्स, गल्स, ऑस्प्रेज
एंड एवोकेट्स चूज टू लिव इन दीज फॉरेस्ट. कुछ कुछ बर्ड्स के नाम हैं, एक दो बीच में से जो है वो आप याद रख लें, जो इस तरह के ट्रॉपिकल स्वैम्प फॉरेस्ट में मिलते हैं. इसमें मेन बातें क्या हैं याद रखने वाली, एक तो ये कि ये पाकिस्तान में कहाँ पर होते हैं, ठीक है. दूसरी बात ये कि ये कोस्टल एरियाज में होते हैं. तीसरी बात ये कि यहाँ पर मेरीन वाइल्ड लाइफ और लैंड वाइल्ड लाइफ दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, और ये एनिमल्स का एग लेइंग एक्टिविटी का भी ये एरिया है, ठीक है. ओके, देन वी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव्स आर द ट्रीज एंड श्रब्स दैट ग्रो इन ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज. इस तरह के दरख्त और ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना, जो कोस्टल ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करती हैं. दिस इकोसिस्टम इज़ फाउंड इन द स्वैम्प्स ऑफ इंडस डेल्टा ऑन द कोस्ट ऑफ कराची एंड लसबेला. इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये देखें, ये आपको नीचे उन्होंने बताया वो भी है, ये देखिए पानी है, पानी के अंदर से हो गया मैं, ये भी देखें, ठीक है. Coastal communities use their forest wood for fuel and fodder, due to which size of this forest is on decline. यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी दरख्तों को जो है वुड वगैरह को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रही है. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इन द सी हैज़ रिड्यूस्ड. डैम में रुक जाता है, ड्यू टू विच द सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर अराउंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड. जब पानी कम होगा तो सॉल्ट कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट. और इससे फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन भी हो रही है. प्रेजेंटली आउट ऑफ 8 स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव ट्रीज ओनली 1 डोमिनेट्स इन द इकोसिस्टम. यानी मैंग्रोव ट्रीज की 8 स्पीशीज हैं, जिसमें से एक जो है वो डोमिनेंट है. मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम इरोजन, स्पेशली ड्यूरिंग हुरिकेन्स एंड सुनामीज. बहुत तेज़ हवा चले या बहुत पानी के अंदर जो है वो तूफान आए, तो उसके दौरान मैंग्रोव जो है वो कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सॉयल इरोजन, के ज़रूरी मट्टी भी जो है वो बीच से चली ना जाए. देयर मैसिव रूट सिस्टम कैन ब्रेक वेव एनर्जी. यानी कि वेव बहुत ज़ोर से आ रही है ना सुनामी में जैसे आती है, तो वो उस वेव को जो है वेव एनर्जी को ब्रेक कर देते हैं. कौन? मैंग्रोव जो होते हैं उनकी रूट सिस्टम, उनकी जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं. इन रिजल्ट दे डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स इन द एरियाज. एज अ रिजल्ट मैंग्रोव्स बिल्ड देयर ओन एनवायरनमेंट. तो मतलब ये अपने एनवायरनमेंट के लिए उनका एक रोल होता है. मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइडल एरियाज. देयर आर सम 15.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव forests in the world. Mangrove trees look different. They have special aerial roots which hold tree trunks above the water surface. These aerial roots can filter salts from the water. There are some 129,000 hectares of mangroves in the forest in Indus Delta, about 3,000 hectares in Mianihor, Kalmathur and Gwadar Bay area. In total there are 2,07,000 hectares of mangrove forest in Pakistan. Mangrove forests are teeming with life. They are natural habitat to a large number of insects, birds, microorganisms, mammals as well as snakes. नेचुरल हैबिटेट होता है जो मैन मेड नहीं होता, जो नेचुरली बिल्ड होता है, उसमें कोई इंसानी दखल नहीं होता. तो ये बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की और परिंदों की रहने की जगह है, उनका हैबिटेट है. ड्यूरिंग विंटर मैनी बर्ड्स फ्राम नॉर्थ also come to breed here. और सर्दियों में बहुत से birds आते हैं यहाँ पर, breed भी करते हैं. Then we have subtropical zone. Tropical zone over. Okay. Evergreen forest. An evergreen forest is a forest consisting of entirely or mainly of evergreen trees. Evergreen जो हमेशा सरसब्ज रहते हैं throughout the year. Evergreen trees remain green all year round. This ecosystem occurs in areas receiving more than 200 centimeter of rainfall and having a temperature of 15 to 30 degree centigrade. यानी इनको टेम्परेचर भी दरमियाना सा चाहिए होता है और इनको रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए होती है. They occupy about 7% of the earth's land surface. ये पूरी दुनिया में कितने हैं? 7%. These forests are dense and have many types of plants and animals. They are mostly tall hardwood trees. ये देखें, ये जो साइड पे पिक्चर है, लंबे लंबे दरख्त हैं, ठीक है. इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, द सॉल्ट रेंज एंड सुलेमान रेंज. इट इज़ फाउंड बिटवीन एलिवेशन ऑफ 450 टू 1500 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल. सी लेवल से कितना ऊंचे होते हैं ये उधर लिखा हुआ है. द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स यूरियल, गजेल, हाइयाना, वुल्फ, फॉक्स, जैकल, हेयर एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स.
मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्यूल फॉर फायर ड्यू टू विच एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम कि फॉरेस्ट में से वुड यूज़ की जा रही है फ्यूल के लिए और फायर के लिए, जिस वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. यूरियल इज़ ऑल्सो हंटेड फॉर इट्स मीट. इट हैज़ बिकम critically endangered in Pakistan, found mostly near the equator. These forests are dense and multi-layered. These forests harbor many types of plants and animals. यानी कि ये बहुत से plants और animals का habitat हैं, जैसे कि बाकी forests भी हैं, और they are found near equator. अच्छा जी, रीज़न क्या है फॉर बींग एवरग्रीन? एन एवरग्रीन ट्री इज़ अ ट्री दैट हैज़ लीव्स ऑल ईयर लॉन्ग इन द सीजन्स. ट्री शेड देयर लीव्स यूजली एज एन एडेप्टेशन टू अ कोल्ड और ड्राई सीजन. दे डू दैट टुगेदर विद द अराइवल ऑफ अ कोल्ड और ड्राई सीजन. एवरग्रीन ट्रीज डू शेड लीव्स बट नॉट एट द सेम टाइम. द लीव्स ऑफ एन एवरग्रीन ट्री फॉल विद टाइम एंड वेन दे आर ओल्ड. ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ एवरग्रीन ट्रीज shed their leaves at different times. Therefore, evergreen forest as a whole look green all year long. वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि इनके पत्ते कभी भी नहीं गिरते, लेकिन कभी किसी दरख्त के गिरते हैं, कभी किसी दरख्त के गिरते हैं, क्योंकि इनका कोई एक टाइम नहीं है जिस टाइम पर ये लीव्स को शेड करें, गिराएं. इसलिए ओवरऑल जो है फॉरेस्ट ओवरऑल ईयर ही ग्रीन लगता है. Pine forest. These forests are found at a height of 1000 to 1700 meters in Hazara, Mari Hills and Azad Kashmir. The main tree species in these forests are oak and chir pine. Chir pine can reach up to height of 25 meters. इसमें इन्होंने दो तरह के दो तीन एरियाज़ के नाम लिया, हज़ारा, मरी और आज़ाद कश्मीर. और हाइट देखें बहुत ज़्यादा इनकी 1000 से 1700 किलोमीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स कह रही हूँ, मीटर्स इनकी हाइट होती है. और इसमें दो मेन जो स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की, उनका जिक्र किया गया है. दिस रीजन एक्सपीरियंस स्नो इन द विंटर. द एनिमल स्पीशीज़ फाउंड इन दिस रीजन आर लेपर्ड, स्पॉटेड डव एंड वुडपेकर. द साइज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ ऑन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द रैपिड डिफॉरेस्टेशन फॉर द टिम्बर. अब टिम्बर क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की वुड होती है, उसके उससे फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें बनती हैं, महंगी बिकती है, इसलिए लोग क्या करते हैं उस वुड को भी काटते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है और फॉरेस्ट डिक्लाइन पे जा रहा है. पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एक्सट्रीम रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. दीज फॉरेस्ट आर वेरी रेयर इन द वर्ल्ड. मैनी स्पीशीज ऑफ ट्री हैबिटेट दीज फॉरेस्ट इंक्लूड सिडार, सिप्रस, फायर पाइन, सॉरी फिर पाइन, रेड वुड एंड यू. ये बताया जा रहा है कि किस किस तरह की ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के उनके नाम हैं. और सबसे ज़्यादा टिम्बर जो है वो इसमें डेंजर में है और एंड इट इज़ कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन. टेम्परेट जोन. अब आफ्टर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन कम्स टेम्परेट जोन. द टेम्परेट जोन लाई between tropical and polar regions. The changes in these regions between summer and winter are moderate. टेम्परेट का मतलब ही होता है दरमियाना, ठीक है, तो मॉडरेट का मतलब भी दरमियाना ही होता है, दरमियानी सी गर्मियाँ, दरमियानी सी सर्दियाँ, ऐसे नहीं कि एक्सट्रीम हो, कि बर्दाश्त ही ना हो सकें. दीज रीजन आर नॉट टू कोल्ड और हॉट. हाउ एवर इन एशिया एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका द वेरिएशन बिटवीन समर एंड विंटर कैन बी एक्सट्रीम. यानी कभी कभी वेरिएशन एशिया और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम पे जा सकती हैं, लेकिन मेजरली टेम्परेचर जो है मॉडरेट ही रहता है. देन वी हैव ड्राई फॉरेस्ट. द मेन tree species in the ecosystem are oak, walnuts, blue pine and juniper. They reach an average height of 10 to 15 meters. This zone extends in the upper Kagan Valley, upper Neelam Valley, Gilgit, Chitral, Suleiman Range and Ziyarat Range. They are found at the height of 1500 to 3500 meters. The common wildlife include marhole, leopard, bear, chakor, woodpecker and flying squirrel. Many plants in this ecosystem are used for making medicine. In winter, the temperature reaches below 0°C. तब ये बहुत सारी जगहों के नाम हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक है. ड्राई फॉरेस्ट हाइट लिखी हुई है 1500 से 3500 मीटर्स है. वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है उनके नाम लिखे हुए हैं. विंटर में टेम्परेचर 0°C से भी नीचे चला जाता है. द जूनिपर फॉरेस्ट फाउंड इन ज़ियारत रेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ट्रीज आर नोन टू बी 25 years old, 2500 साल के दरख्त वहाँ पर मौजूद हैं. दीज जूनिपर फॉरेस्ट ग्रो इन एक्सट्रीम ड्राई एंड ड्रग्ड एनवायरमेंट बिटवीन एलिवेशन ऑफ 2000 टू 3000 मीटर्स. द अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग इज डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम एट द लाइफ स्टॉक टेम्पल्स. द न्यू सैपलिंग ऑफ ट्रीज. यानी जब नए दरख्त, कोई भी कह लें आप, ग्रीनरी जो वहाँ पर उगती है वो जानवर जो हैं वो खा जाते हैं, जिसकी वजह से दिस फॉरेस्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड. द सॉयल विदाउट वेजिटेशन कवर इज़ हाईली इरोडेड बाय रेन्स. द टॉप लेयर इज़ वॉश्ड अवे.
ड्यू टू विच द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इको सिस्टम. एक तो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग तो हो गई ना, दूसरा वो सीजन रीजन दे रहे हैं कि जब सीड्स को बीच में बोया जाता है तो फिर उसको डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना, लेकिन जब सॉइल इरोजन होती है ना तो वो ऊपर से न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाती है साथ, जिसकी वजह से सीड्स जो हैं वो फूलते ही नहीं, फलते फूलते ही नहीं. रिडक्शन ऑफ जूनिपर ट्रीज हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक थ्रोटेड thrush, it's name of a bird. It feeds on the berries of juniper and also facilitates in its germination. Juniper forests can live up to 3,000 years. Overall, Pakistan forest resources are limited. They cover only 4.9% of the total land area. It is far below the optimal standard, and that is 25%. Far below. 25% ek standard hai, aur ye kitna kar rahe hain? 4.9%. Theek hai? Then we have moist forests. It is one of the most productive forests of all types of forest in Pakistan. This ecosystem adjoins the subtropical pine and the subalpine forests. It is found at an elevation of 1200 to 3000 meters. It is found in Mari, Galies, Kagan and Azad Kashmir. Pines like the other blue pine, silver fir and spruce are typical trees of this ecosystem. The threats to the ecosystem are mass scale cutting for timber and clearance of forest land for agricultural purposes and building of vacation homes. अब इसमें वो बता रहे हैं कि ये किस किस जगह कौन कौन से जो हैं वो ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं इस ecosystem में, और फिर वही बात है कि timber की mass scale कटिंग हो रही है और लैंड को एग्रीकल्चर के लिए जो है वो क्लियर किया जा रहा है दरख्तों से, जिसकी वजह से जो है ये भी फॉरेस्ट डिक्लाइनिंग में जा रहा है और थ्रेट है इसको. फिर अल्पाइन जोन हमारे पास लास्ट जोन है. दिस इकोसिस्टम इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 3500 टू 4000 मीटर्स. द मेन ट्री स्पीशीज आर कॉनिफरस एंड बर्च trees. These are also evergreen bushes and ferns. The growth of the trees is stunted because of the extreme cold and snowfall. ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्नो ही स्नो है, ऊपर ट्रीज हैं तो वो कह रहे हैं स्टंटेड यानी रुकी भी है, क्योंकि वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा, स्नोफॉल बहुत ज्यादा, ठंड बहुत एक्सट्रीम की होती है. एन एवरेज ट्री रीचेज अ हाइट ऑफ नॉट मोर देन 8 मीटर्स. सम एनिमल स्पीशीज इन दिस इकोसिस्टम आर मस्क डियर, मारखोर, हिमालयन आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड एंड वोल्स. 8 मीटर तक हाइट चली जाती है और उसमें फिर कुछ एनिमल्स का नाम उन्होंने बताया हुआ है कि ये एनिमल्स यहाँ पर होते हैं. द बर्ड स्पीशीज इंक्लूड स्नो कॉक, चकोर, गोल्डन ईगल एंड बर्डेड वल्चर. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड गेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक आर द मेन थ्रेट्स टू द इको सिस्टम. स्नो लेपर्ड हैज बिकम इंडेंजर्ड स्पीशी बिकॉज इट इज हंटेड फॉर इट्स स्किन. पीपल ऑल्सो किल हिम टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ स्टॉक. पीपल हंट मारखोर एंड मस्क डियर फॉर फूड एंड स्पोर्ट. अब देख लें किन किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से दरख्त काटे जाते हैं, लाइफ स्टॉक जो है वो ग्रेज करती है उसकी वजह से. फिर देख लें जी कि स्नो लेपर्ड जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशी है क्योंकि लोग उसको हंट करते हैं फॉर इट्स स्किन, और लोग इस वजह से भी उसको मार देते हैं क्योंकि इट इज़ डेंजरस. वो उनको भी अटैक करता है, उनके लाइफ स्टॉक को भी अटैक करता है. लाइफ स्टॉक जो उन्होंने जानवर पाले होते हैं ना फॉर देयर ओन यूज़. और उसके अलावा फिर जो है वो लोग जो है मारखोर का भी करते हैं, हंट करते हैं, डियर का भी करते हैं अपने फूड के लिए भी, और एक दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट. ठीक है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अल्पाइन स्क्रब्स. दिस इकोसिस्टम इज कवर्ड विद लाइकन्स, मॉसेस, श्रब्स बिटवीन 2 to 6 feet हाई. Major tree species are juniper and dwarf salix. The winter temperatures are much below 0 degree centigrade. This ecosystem is found at a height of about 4000 meters. The wildlife includes marmots, brown bear, snow leopard, Marco Polo sheep, wolves, golden eagle and snow partridge. In summer, numerous shepherd families migrate to this region, destroying the vegetation. They also kill the wildlife species to protect their livestock. अब ये बीच नीचे कुछ एनिमल्स की तस्वीरें भी दी गई हैं. इसमें वो बता रहे हैं कि इनकी हाइट कितनी होती है, 2 feet to 6 feet हाई होते हैं ये, और टेम्परेचर 0 degree centigrade से भी नीचे गिर जाता है, और 4000 मीटर्स की हाइट पर होता है. जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनका जिक्र है, और शेफर्ड फैमिलीज जो हैं यहाँ पर चली जाती हैं अपने समर में, और ऐसी वाइल्ड लाइफ को किल कर देती हैं जो उनके लाइफ स्टॉक के लिए डेंजरस होते हैं. अब शेफर्ड चरवाहों को कहते हैं ना, तो वो जो अपने रेवड़ लेके जाते हैं, ये देखें ये रेवड़, ये यहाँ पर वो जाके ना घास वगैरह खाते हैं, तो अब इनको नुकसान पहुँचाएगी वाइल्ड लाइफ, तो जो वाइल्ड लाइफ इनको नुकसान पहुँचाने के लिए होती है उनको वो मार देते हैं, तो इस तरह से भी नुकसान पहुँचता है फिर इनको. ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच.
वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।